हाय हेलो नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको बता दूं कि 20 मिनट पहले मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना रहा था और जैसे ही खबर मुझे पता चला, मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं और आपकी परेशानी शायद दूर हो सकती है इस खबर से। मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन हैं, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है विनोद कुमार यादव, आप सभी को पता होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने ये कहा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पूरा सेंटेंस को पढ़ें, सुने पहले, बेसिकली आप उसके बाद इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं खुद से ही, है ना। उन्होंने ये कहा है कि वी विल रन ट्रेन्स व्हेनेवर देयर इज रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एग्जाम्स एंड अदर सच परपोजेस। यानी हम समझ पा रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगती है कि बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इंडियन रेलवे सबसे पहले आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 40 पेयर्स ऑफ न्यू स्पेशल ट्रेन्स चलेगी सितंबर 12 तारीख से। और सितंबर 12 कौन सा दिन है? IBPS RRB की प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलरेडी 230 स्पेशल ट्रेन्स चल रही है। इसके अलावा ये 40 पेयर्स ऑफ ट्रेन स्पेशल अलग हैं, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका रिजर्वेशन जो है सितंबर 10 तारीख से आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कयास आप लगा सकते हैं कि क्या हालात बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह अब उठता है कि IBPS ने, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:35 हो चुका है, IBPS ने ना कोई नोटिस जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना कोई एडमिट कार्ड के बारे में खबर दिया है। हर दिन उन्होंने एक दिन दो दिन करके आगे 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 करते रहे। और आज सैटरडे संडे हो गया, उनका ऑफिस छुट्टी है, घर पे बैठ के शायद ये लोग, हो सकता है कि लिंक जारी कर दें, गॉड नोस। लेकिन जो 10 दिन का जो टेंशन है, तो फिर क्या था फिर वो, आप एटलीस्ट नोटिस तो जारी कर सकते थे। खैर, जो भी है, IBPS जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नोटिस जारी कर दे। और IBPS को करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आपका कैलेंडर अभी भी बताता है कि 12 तारीख की आपकी परीक्षा वाली डेट होगी। खैर, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आज काफ़ी लोगों ने फ़ोन करने का कोशिश किया, लेकिन मैंने आप सभी को बोला कि आज जो है काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे टीचर्स डे को रिलेटेड, तो मैं इसी वीडियो के जरिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस थे, मैं तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों, एक टीचर होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला, भगवान ने ज़मीन जो है जितना बनाया है उतना ही बनाया है, आगे वो नहीं बढ़ाएगा। धरती जो है वो उतना ही है, ये इनविजिबल चीज़ है। और एक विजिबल चीज़ क्या है, माफ़ी चाहता हूँ, ये विजिबल चीज़ है, और इनविजिबल चीज़ क्या है, वो ये है। देखो, अभी भी मुझे लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन इनविजिबल चीज़ क्या है, वो है टाइम, समय। समय और ज़मीन एक दोनों ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों, जो भगवान ही उसका कंट्रोल में है, वो हमारे पास नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों ने 10 दिन जितना टाइम बर्बाद कर लिया है, वो वापस कभी नहीं आएगी। साल 2019 तक जो सिचुएशन थी, 2020 में जितना टाइम मिला आपको पढ़ाई करने के लिए, मार्च से लेकर आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सोचिए दोस्तों कि इतना टाइम अब कब मिलेगा। जब नेक्स्ट पैंडेमिक कभी आएगा, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी ना आए, लेकिन इस पैंडेमिक में अगर आपको इतना टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर आपने जो शायद अपना टाइम है उसको वेस्ट कर दिया है। आप जितना बड़े होते जा रहे हैं दोस्तों, आपके माँ बाप उतने बूढ़े होते जा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी होती जा रही है। आप जिस अभी इस वीडियो को देख रहे हो, जिस टाइम पे आपने पलक ऐसे झपका लिया होगा, वापस झपका के दिखाओ तो ज़रा, वही पलक नहीं झपका पाओगे। तो चीज़ें वही होती है, टाइम एक बार चला जाता है ना, तो फिर वो वापस नहीं आता। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये टाइम बढ़िया टाइम मिला है प्रिपरेशन का, वेस्ट ना करें। जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं 20,000 रुपये, या आईफोन जो भी आप देख रहे हो 60,000-70,000 वाला पैसा नहीं है, ये आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं। वेस्ट ना करो टाइम, अच्छे वीडियोस देखें, स्टूडेंट फरमाइश को फॉलो करें, अप टू डेट अपडेट चीज़ें जो भी है देने के लिए यही चैनल आपको देगा।
और पढ़ाई के लिए आप देख सकते हैं, हमारे वीडियोज़ भी हैं बहुत सारे। लोग बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते नहीं हो, मैंने बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया हुआ है, आप उसको तो देखो पहले। और खैर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि चीज़ें जो है अब नॉर्मल होने लगेगी, और मुझे जो फील होता है कि IBPS अगर डेट बढ़ाता भी है तो ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाएगा, 20 दिन बढ़ाएगा या 15 दिन बढ़ाएगा, और अगर बढ़ा देता है तो आप समझ जाइए कि आप एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आपने लास्ट 5 दिन में या 10 दिन में कितना मॉक टेस्ट आपने ख़त्म कर लिया है। आपका जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करिए स्टूडेंट फॉर माई यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष, टेलीग्राम पे हमारा नाम है स्टूडेंट फॉर माई यूट्यूब, चैनल का नाम है स्टूडेंट फॉर माई। हिट दैट लाइक बटन, ब्लू करिए उसको, और घंटी का जो ऑप्शन है उसको भी दबाइए। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस, प्यारे प्यारे वीडियोस आप सभी के लिए, आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे। IBPS RRB कैंप में हमें आप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खेर, लव यू, अपना क्षेत्र के ध्यान दीजिएगा, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।